अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू रेपिटी। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर अफोर्डेबल प्रोडक्ट। जो मेरी सारी मेकअप की अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगी। इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि अंडर 1000 रुपीज़ में आप कौन कौन सी प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं प्राइजेस भी आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ ही साथ जो है वो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको आसानी हो जाए लेने में, जो चाहे आप ले सकें। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स टोटली फ्री, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, सो वेन एवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो या गाइज, दीज आर माई अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स, एवरी वन कैन गेट दैम, क्योंकि ये अंडर 1000 रुपीज़ हैं। सारी के सारी प्रोडक्ट बहुत ही चीप, बहुत ही अफोर्डेबल हैं, तो मैं वन बाई वन आपको बताऊँगी। तो इसमें आई शेडो पैलेट्स भी हैं जो कि अंडर 1000 रुपीज़ हैं, इसके अंदर ब्लश ऑन भी है, और जो है लिपस्टिक्स पहने रखी हैं, और कंसीलर है। सो ये सब के सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको अंडर 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे, और सब के सब प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आई नो लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेकअप ऑब्सेशन होता है, दे वॉन्ट टू गेट अफोर्डेबल येट वेरी क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने वो सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं जो कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हैं, और आसानी से, मतलब आप बगैर अपना पैसे ज़ाया किए, ज़्यादा पैसे फजूल खर्च किए बगैर आप जो है वो मेकअप के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है रिमल की है फुल कवरेज फाउंडेशन। फाउंडेशन एक नेसेसरी पार्ट है मेकअप का, जो कि आपको बगैर फाउंडेशन के तो आपकी लुक कम्प्लीट ही नहीं हो सकती। तो जो अफोर्डेबल फाउंडेशन है, जो कि आप फुल कवरेज भी चाहते हैं कि आपके दाने दाग धब्बे दूर हो जाएं, तो ये जो फाउंडेशन है रिमल की, इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड इट हैज़ फुल कवरेज। दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन। ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इसको साथ लेके जा रहे हैं, तो ये लीक भी नहीं होती। सो या गाइज, इट्स प्राइस इज 1000 रुपीज़ एंड इट्स रियली अफोर्डेबल। इसको आप 1000 टाइम तो यूज़ कर ही लेते हो। इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी कम अमाउंट है, अमाउंट भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ रिवाज यूके का ये वाला पैलेट, फैंटेसी पैलेट इसको कहते हैं, एंड इट इज़ रियली रियली नाइस एंड इट हैज़ वेरी पिगमेंटेड शेड। सो इसकी जो प्राइस है वो 363 समथिंग इतने का आपको मिल जाता है। 300 की प्राइस में आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट ये दे रहे हैं। सो द आई शेडोज ऑफ दिस पैलेट आर रियली रियली पिगमेंटेड। सो इसके अंदर जो दो शेड्स हैं वो मैट हैं, उससे आप कट क्रीज क्रिएट कर सकते हो, और लिड पे आप शिमर यूज़ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस ब्लश ऑन पैलेट मिक्स विद ब्रॉन्जर। तो आपको एज यू कैन सी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई लव दिस प्रोडक्ट। इसको मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था। इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। आई लव टू यूज़ इट। मैं मोस्टली इसको यूज़ करती हूँ जब भी किसी शादी के फंक्शन वगैरह पे जाना हो, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सी, आपको सटल सी लुक भी देता है ये पैलेट, और साथ ही साथ जो है वो आपको आपके शेप को, आपके फेस को शेप भी कर देता है। तो इसके अंदर 2 ब्रॉन्जर हैं और 2 ब्लशर्स हैं, और इसकी प्राइस है 200 या आपको लोकल मार्केट मिलेगी। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव, दीज आर द एमरिज की पेंसिल्स, लिप पेंसिल्स हैं, जिनको मैंने पैकेजेस में उनसे लिया था रिसेंटली, अभी मैंने परचेज़ किया इन्हें। सो ईच पेंसिल प्राइस इज 200 रुपीज़, विच इज़ रियली अफोर्डेबल। सो इन दोनों के स्वाच में अब आपको दिखा रही हूँ, यू कैन सी। सो आई एम अ मेकअप लवर। जब भी मैं कहीं भी मेकअप देख लूँ ना, बस मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ साथ लेके जाऊँ। सो मैं मेकअप को ख़रीदना बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसे, जो सारे मेरे पैसे हैं ना, वो इसी पे ही लगते हैं। तो सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है, मुझे पता है। तो जो इनके नंबर हैं वो एक का है 35 क्रोम रेड, और दूसरे का है 5T पिंक। तो आप आसानी से ये नंबर बताएंगे ना, तो आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी स्टोर से, मेकअप स्टोर से। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ अनदर लिप पेंसिल, जो कि मैंने मेकअप सिटी से ली है, ये ST लंदन वालों की है, और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 560 रुपीज़ की मैंने ली थी। तो और ये जो है वो पाउट लिप
लाइनर है एंड दिस इज़ इन शेड मरून एंड एज यू कैन सी कि इसका बहुत ही खूबसूरत शेड है और ये पिछली दो जो पेंसिल मैंने आपको दिखाई है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट है, डेट्स वाई आई परचेज्ड इट। सो अनदर पेंसिल विच आई हैव इज़ बाय रिवाजो, क्योंकि ये भी लिप पेंसिल है और इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसकी 76 रुपीज़ में ही आपको मिल जाती है और इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है और जब आप यूज़ करते हो तो इसकी क्वालिटी भी आपको फील होती है कि अच्छी है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो नॉर्मली भी और एवरीडे मेकअप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो 76 रुपीज़ में गाइज आप क्या ले सकते हैं इस गए गुजरे दौर में, सो इट्स रियली अफोर्डेबल। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस आईब्रो पेंसिल बाय रिवाजो के। सो बेसिकली ये दो तरफ से चलती है, मतलब एक तरफ से ब्लैक है इसकी और दूसरी तरफ से ब्राउन है। सो नॉर्मली मैं ब्राउन वाला पार्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ब्लैक ज़्यादा ही आपकी आइज़ को जो है वो ब्लैक कर देता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने अपने मेकअप ट्यूटोरियल में या फिर जब भी मैंने नॉर्मली कोई ट्यूटोरियल बनाना हो आना हो यूट्यूब पे तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ एंड इट्स सो चीप। इसकी प्राइस है 90 रुपीज़। या गाइस इट्स सो चीप एंड इस गए गुजरे दौर में, इतने महंगाई के दौर में आपको ये 90 रुपीज़ में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इट्स वर्थ बाइंग। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस क्लोसल काजल बाय मेबेलिन। सो दिस इज़ रियली रियली गुड, इसको भी अक्सर मैं यूज़ करती हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल में। सो इट्स प्राइस इज़ 475 एंड इट्स सो मच अमेजिंग एंड अफोर्डेबल एज वेल। सो गिव इट अ ट्राई। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दीज आर द बी क्यूट लिप लाइनर्स। सो बेसिकली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा नेचुरल शेड्स हैं। बी क्यूट वालों की सारी जो लिप पेंसिल्स हैं वो इतनी अफोर्डेबल हैं और साथ ही साथ इनके नेचुरल शेड्स भी हैं। सो जो नंबर है इनके वो ऊपर वाली का है BC74 रस्टी रेजिन एंड दूसरे का है टेराकोटा BC24। सो इन दोनों के ये स्वाचेस हैं और दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक थोड़ी डार्क है और एक थोड़ी जो है वो सो ये आपको न्यूड लिप लाइनर के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिगर लिप्स करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करें, देन आप कोई भी जो है वो न्यूड लिपस्टिक लगा लें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है वो रिज़ल्ट मिलता है इससे। सो ये इनके नंबर हैं, मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ ताकि आप खरीद सकें। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस आई लाइनर एंड दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट आई लाइनर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये मैं साथ हमारी घर के साथ ही एक दुकान है वहाँ से मैं जाके ले लेती हूँ, बहुत ही आसानी से मुझे जो है वो अप्रोचेबल है, आप कह लें कि बहुत आसानी से मिल जाता है वहाँ से मुझे। तो 80 रुपीज़ का है और आप किसी भी दुकान से इसको ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा चलता है, आप इससे बहुत अच्छा सा विंग आई लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। सो अनदर पेंसिल विच आई हैव इज़ दिस नेक्स वंडर पेंसिल। सो बेसिकली वट इट डज, ये अंडर आई पेंसिल है जो कि आप इसको वाटर लाइन पर लगाते हैं तो आपकी आँख बड़ी हो जाती है। सो इट्स प्राइस इज़ 649 एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली अफोर्डेबल, आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक तो यूज़ कर लेते हो क्योंकि इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह नहीं होता कि ये टूट के गिर जाए, जिस तरह मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे पेंसिल्स होती हैं जो कि टूट के गिर जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पेंसिल्स के तौर पर जिसको आपने शॉपनर से शॉप करना है और यूज़ करना है। सो इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ मिस रोज़ का कंसीलर। सो ये मैंने दो कंसीलर ले लिए हैं। सो जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, मेरा दिल करता है मैं ज़्यादा सारी अमाउंट उसकी ले लूँ, इसलिए मैंने दो ले ली है। अभी मैंने इंशाल्लाह और भी लेने हैं क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं, ये फुल कवरेज देते हैं। ये जो कंसीलर है ये आपके डार्क स्पॉट्स को कंसील कर देता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो उनको कंसील कर देगा, फुल कवरेज देते हैं। तो जो दोनों हैं वो बेसिकली दोनों डिफरेंट शेड में हैं, एक जो है वो BH2 है, दूसरा IV6 है। सो जो BH2 कलर है वो आपको थोड़ा सा येलोइश टोन देता है और जो आइवरी है वो आपको थोड़ा सा वाइटिश टोन देता है। सो अगर आप अंडर आई फुल कवरेज चाहते हैं देन यू मस्ट हैव इट। सो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ रिमल का ये स्टे मैट पाउडर है, इसका मैं रिव्यू भी दे चुकी हूँ। सो दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो बेसिकली दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, इन शेड ट्रांसपेरेंट में मैंने लिया है, लेकिन दिस इज़ नॉट रियली ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी इसकी वाइट कास्ट छोड़ता है ये। तो इसकी प्राइस है 1200। सो थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स वर्थ बाइंग क्योंकि ये आपकी जो है वो अगर आप आपकी ऑयली स्किन है, बार बार ऑयल आ जाता है आपके फेस पे, तो इसके इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल नहीं आता।
So another product which I have is this Rivaj UK का blush on. So this is really really good, लेकिन ये थोड़ा सा shimmery है, that's why I don't love it too much, क्योंकि मुझे ज़्यादा blush on जो है वो थोड़ा सा matte अच्छा लगता है, जिसमें shimmer ज़्यादा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता. So लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद लें, इसकी प्राइस है 590 रुपीस का ये. So another product which I have is this Revolution का blush on. ये मेरा all time favorite blush on है, like holy grail for me, and it's so so good because it's not so much shimmery. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ऐसे blush on पसंद है जो ज़्यादा shimmery ना हो, जो कि ज़्यादा over ना लगें. So it's give you baby soft pinkish look. So its price is 200 and this is really affordable and it's called Wow. So इसका नाम है Wow and its price is super super affordable. So ये 200 का है and it's so good. So another product which I have is this Novo का highlighter which I bought long time ago. ये मैंने जो है वो अली एक्सप्रेस से ख़रीदा था. So ये मुझे बाय शिपमेंट चाइना से आया है और इसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स भी लगा था, तो लेकिन जो है वो सो मच अफोर्डेबल. फिर भी ये मैंने 200 का लिया था और इसके साथ दो तीन और चीज़ें ली थी. सो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इट्स वर्क सो मच बेस्ट फॉर मी, क्योंकि ये जब मैं अपने क्लाइंट पर भी यूज़ करती यानी कि अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ लोगों पे. सो ये एक बहुत ज़्यादा शाइनी सी ग्लैमरस सी लुक देता है. सो आई लव दिस प्रोडक्ट. सो इफ़ यू वांट टू गेट दिस प्रोडक्ट देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए. सो अनदर प्रोडक्ट विच आई एम गोना शेयर विथ यू विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल येट वेरी वेरी अमेजिंग. सो ये जो प्रोडक्ट है क्लोसल का मस्कारा है एंड सो इट्स प्राइस इज़ 900. एज यू कैन सी कि इसका जो वांड है वो बिगर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस लुक आती है, वॉल्यूम मिलता है आपकी आइज़ को और बहुत ज़्यादा नेचुरल शेप देता है आपकी आइज़ को. सो आपकी जो आई लैशेज हैं वो एकदम से लिफ्ट अप हो जाती हैं. सो जो अनदर मेरे पास मस्कारा है वो ये थोड़ा सा सस्ता है क्लोसल मस्कारे से. सो ये है ग्रेट लैश मस्कारा बाय मैबेलिन और इसकी प्राइस है 630 रुपीज़. सो दोनों की एप्लीकेशन अगर हम करें तो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि क्लोसल मस्कारा थोड़ा सा आपको वॉल्यूमिनस लुक देता है, जबकि ये थोड़ा सा आपको थोड़ी सी डाउन डाउन लुक देता है, मतलब इतनी ज़्यादा आपकी ब्रॉड आँखें नहीं कर देता, आपकी आई लैशेज़ को इतना कर्ल नहीं करता जितना क्लोसल मस्कारा करता है. सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस आई रेवोल्यूशन का आई शैडो शेड है, जो कि माउंटेन गोल्ड इसका नाम है और इसकी प्राइस है 200 और ये मेरा फेवरेट आई शैडो शेड है और ये मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था द्राज डॉट पी के से और रेवोल्यूशन के असल उनकी ब्रांड से उनके स्टोर से. सो ये जो माउंटेन ऑफ गोल्ड है ये बेसिकली इतना अमेजिंग कलर है, जब आप इसको यूज़ कर जाए अपने आईलिड पे तो वाह क्या कमाल का ये शेड है. आप इसको मस्ट जो है वो परचेज़ करें, सिर्फ 200 रुपीज़ में ही आपको मिलता है. सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो अनदर पैलेट विच आई हैव इज़ दिस Rivaj UK की एच डी फ्लॉलेस पैलेट. सो दिस वन इज़ रियली रियली गुड बिकॉज इसके अंदर सारे के सारे शिमर शेड हैं जो कि आप अपनी आईलिड पे यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं इसको खरीद रही थी तो मुझे नहीं पता था कि सारे के सारे शिमर शेड होंगे, तो मेरे साथ थोड़ा सा ये सीन हुआ कि सारे के सारे शिमरी शेड निकले. मैं कंसिडर कर रही थी कि ये मैट शेड होंगे. जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हो तो ऐसे जो है वो ब्लेंडर्स होते हैं, तो मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ. तो अनदर पैलेट विच आई हैव इज़ दिस वन, ये भी एच डी फ्लॉलेस पैलेट है और दोनों की सेम प्राइजेज हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ. सो ये स्वाचेस हैं इसके. सो दोनों जो पैलेट्स हैं वो सेम पैलेट हैं लेकिन जो है वो कलर में डिफरेंट है. सो जो पहले मैंने आपको पैलेट दिखाई है वो पूरी टोटली शिमरी है. जो ये वाली पैलेट है इसके अंदर शिमर शेड भी हैं और इसके अंदर मैट शेड भी हैं जो कि ज़्यादातर कट क्रीज पर यूज़ होते हैं. सो इन दोनों की प्राइस है 830 रुपीस में आते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं. आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट मैनी लुक बाय यूजिंग दीज पैलेट्स. सो मैंने Rivaj UK के जितने भी पैलेट्स आपके साथ शेयर किए हैं तीनों की प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल हैं, साथ ही साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस क्रिस्टाइन का ये ग्लिटरी आई शेडो है, जो कि आपको सिर्फ लिड पे आपको लगाना होता है. सो ये एक ग्लिटर टाइप है. सो ये अक्सर जो है वो पार्लर में आप दूल्हों को यूज़ कर सकते हो, उस पर लगा सकते हो. तो इसकी प्राइस है 190 रुपीज़ में ही आता है. ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा. सो इसके साथ ग्लू भी लेनी होती है ताकि आप इसको चिपका सको.
तो ये ग्लिटर है एंड इट मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम अपने जो है वो ट्यूटोरियल में मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ कर चुकी हूँ. सो द शेड नंबर इज़ 178 एंड द शेड नेम इज़ सैंड गोल्ड. सो दीज आर द मेकअप ब्रशेज विच आई हैव. दीज ऑल आर वेरी अफोर्डेबल. इसमें दो जो हैं वो स्टिपलिंग ब्रशेज हैं जिनको मैं फाउंडेशन को ब्लेंड अप करने के लिए यूज़ करती हूँ, और जो एक फ्लफ़ी वन है उसको उससे मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ और ब्रॉन्जर करती हूँ. सो ये फ्लफ़ी वन थोड़ा सा डर्टी हुआ हुआ है, यू नो इट. सो इसको आप कहाँ से ले सकते हैं? आप अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं. दीज आर सुपर अफोर्डेबल एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी इंशाल्लाह, ताकि आपको इजीली मिल जाए. सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज दिस वन एसटी लंदन की वेलवेट लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन शेड पिंक. सो ये टी पिंक शेड में है एंड इट्स सुपर सुपर अफोर्डेबल एंड इट्स सो गुड. सो इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, और इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत कलर है. सो मैं अभी आपको इसका नंबर भी बता देती हूँ. सो इट्स सुपर ग्लोसी. दिस लिपस्टिक कीप्स योर लिप्स हाइड. जब आप इसको लगाते हैं ऐसे लगता है कि आपने लिप बाम लगा लिया है. इट्स सो सुपर सुपर हाइड्रेटिंग फॉर योर लिप्स. सो अगर आप कुछ भी यूज़ ना करें और सिर्फ आप ये यूज़ कर लेना अपने होंठों पे, तो ऐसे लगता है आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है. तो ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस आपको लुक देती है, बहुत ही जो है वो प्यारा ये शेड है. सो इसकी जो प्राइस है वो इसका पहले मैं आपको शेड बता देती हूँ. इसका शेड है 57 इसका नंबर है, और इसका शेड है ट्रॉपिकल. सो गाइस मैंने ये लिपस्टिक मेकअप सिटी से ली थी 439 रुपीज़ की, पैकेजेस मॉल में से ली थी मैंने, और इट्स सो मच अमेजिंग एंड आई लव टू हैव इट. सो अनदर लिपस्टिक विच आई हैव इज़ फ्रॉम जेनी. सो ये जो लिपस्टिक है इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, और ये लिपस्टिक बहुत ही अमेजिंग है. मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ. ये एक ब्राउन शेड में है, और एक मैंने ऑरेंज शेड में भी ली थी. सो वो पता नहीं कहाँ गुम हुई है. सो अगर वो भी होती तो मैं आपके साथ शेयर कर देती. सो इस लिपस्टिक का नंबर है 347, और इसका नाम है वाइवा ग्लैम, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो मैं बोल के बिल्कुल थक चुकी हूँ, और अब बिल्कुल नहीं दिल कर रहा कि आपके साथ अगली प्रोडक्ट शेयर करूँ, लेकिन करनी तो पड़ेगी. सो अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस मंडोरा की ये लिपस्टिक, और ये मेरी फेवरेट है, और इसका नंबर है 20. तो जब आप इसको अप्लाई करते हो तो इट फील्स रियली रियली नेचुरल ऑन योर लिप्स, और ये आपको मतलब थोड़ी सी मैट है, ज़्यादा शिमरी नहीं है. जैसे मैंने एसटी लंदन की आपको दिखाई है उस जैसा ही सेम कलर है इसका, लेकिन ये थोड़ी सी मैट शेड में है और वो थोड़ी शिमरी शेड में थी. तो इसका 201 नंबर है, और इसकी प्राइस है 200 रुपीज़. सो अनदर मेडोरा का शेड जो है वो ये है, इसका नंबर है 555. सो इसका शेड भी मैं आपको स्वाच करके दिखा देती हूँ. सो इसका स्वाच भी पिंकिश ही है. जैसे कि आपको पता है कि मुझे जो है वो पिंक जो है वो लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, या तो ब्राउन या तो पिंक. तो लड़कियों को नॉर्मली जो है वो ऐसी लिपस्टिक ही यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा ओवर टाइप नहीं यूज़ करनी चाहिए. सो ये मैट लिपस्टिक है. सो अनदर जो है वो शेड है ऑरेंज टाइप है. सो ऑरेंज कलर भी मुझे लिपस्टिक्स में बहुत ज़्यादा पसंद है. सो मैं टू मच इसको नहीं इतना यूज़ करती, लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ जब दिल करे कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ. तो इसका नंबर है 287, और ये मैट लिपस्टिक है. मंडोरा की सारी लिपस्टिक्स ही मैट हैं, और ग्लोसी लिपस्टिक भी होती हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर ग्लोसी लिपस्टिक मुझे नहीं पसंद. सो यहाँ पर मैंने कल नेल पॉलिश भी मैं दिखा देती हूँ, जो कि मैंने भी मेकअप सिटी से ली है. ये मैंने गोल्डन रोज़ की नेल पॉलिश ली है. सो बहुत ही इसका अच्छा कलर है. इसका नंबर है 10. तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें. 200 रुपीज़ की मैंने ली थी. तो इसका शेड बहुत प्यारा है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. सो एज यू कैन सी कि इसका बहुत नूड टाइप शेड है, ऐसे लगता ही नहीं आपने लगाया हुआ है. आजकल ये कलर बहुत ही इन है. मतलब लड़कियां जब ये लगाती हैं, मतलब आयशा खान ने लगाया हुआ मैंने उसको देखा है, और बहुत सारी टीवी एक्ट्रेसेस ये लगा रही हैं आजकल. सो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ये मैंने ले लिया. तो अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो इसकी प्राइस है 200. तो अनदर लिक्विड लिपस्टिक विच आई हैव इज़ बाय हुदा ब्यूटी. ये असल हुदा ब्यूटी नहीं है, ये मैंने मार्केट से ली है. ये दो नंबर उसका ट्यूब है,
और अगर आपको लेनी है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। इसकी प्राइस भी 200 है और ये मैट लिक्विड लिपस्टिक है एंड इसका जो स्टेन है वो उतरता ही नहीं। सो इट्स गेट्स टैकी ऑन योर लिप्स और ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं उतरती। अगर आप ऐसी भी लिपस्टिक चाहते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो और मैट लिक्विड लिपस्टिक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगी इजीली। सो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी एंड आई एम फुली एग्जॉस्टेड, इतनी मैंने बातें की हैं और इतना कुछ आपको बताया है। तो थम्स अप तो बनता है, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरी डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड हिट द बेल आइकन बटन एज वेल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज नोन एज @beauty16। बी माई फ्रेंड देयर, आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह।